मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान जी। जी उस्मान कितनी उम्र है? मेरी 22 साल। क्या करते हो? मैं कुकिंग का काम, शेफ, फूड मास्टर। अच्छा, सीख चुके हो या पढ़े हो या सीखे हो? सीखा हूँ मैं, पढ़ा नहीं हूँ। ठीक हो गया। 22 साल और उस्मान नाम जी। उस्मान क्या हुआ, कैसे हुआ? तसल्ली से सारी बात सुनानी है, मैं बिल्कुल खामोशी से खड़ी हूँ। जी ठीक। जो दिल की बात है वो बोलो। जी ठीक। बताओ। सिस्टर, हम दोनों की बचपन की मंगनी हुई थी। ठीक है। ठीक है, हमारे बड़ों ने की थी, तो तकरीबन 3 साल से ना हमें पता चला कि हम दोनों की मंगनी हो गई है। तो मेरे 3 साल से पता चला? जी, मतलब बड़ों ने नहीं बताया ना, 3 साल पहले हमें पता चल गया कि हम दोनों की मंगनी हुई है। ठीक है, तो मेरे साथ ठीक थी, खाती पीती बैठती, मतलब हम इकट्ठे बैठते थे, खाते पीते थे, बाहर से कुछ चीज़ पिज़्ज़ा वगैरह, मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, मेरा अपना काम है। ठीक है, तो बस अचानक ही पता नहीं क्या हुआ उसे, उसने भाग के शादी कर ली, मुझे पता ही नहीं था। नहीं, एक मिनट, 3 साल पता चला 3 साल पहले कि आप दोनों की मंगनी हुई है और आप दोनों ने एक दूसरे का जीवन साथी बनना है। जी जी ठीक है। फिर आपस में बातचीत होती थी? जी, फ़ोन पर नहीं होती थी, लाइव। घर एक था। मैं घर रहता नहीं था, मैं तकरीबन महीने में 2 दिन या 3 दिन घर रहता था। क्यों? मैं ज्यादातर बाहर इस्लामाबाद में मेरा काम है। अच्छा, जॉब उधर है? काम उधर है। मेरी इस्लामाबाद में मेरा कारोबार है, उधर ही मैं रहता हूँ ज्यादा। ठीक है जी। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो, तो फिर जब तुम आते थे जी जी, तो जो मिलना जुलना था जी जी, वो आगे होने वाले रिश्ते के मुतल्लिक था या कजन जैसे आपस में मिलते हैं बातचीत होती है? कजन की तरह था। आने वाले रिश्ते के बारे में नहीं है क्या? आने वाले रिश्ते के बारे में भी यही था कि बस हमारी शादी होगी, बस इतना था। इतना पसंद करते थे एक दूसरे को? मैं करता था, उसका मुझे मालूम नहीं। आप करते थे जी? वो तो जाहिर है, जब बड़ों ने बताया कि मंगनी हुई है तो जाहिर है एक रुझान बन जाता जी, है। ऐसा ही है, ऐसे ही। कोई ईदे शीते भी देते थे जी? क्या देते थे? मतलब कपड़े, जूते, पैसे, कोई चूड़ी, कोई ज्वेलरी वगैरह। घर बताती थी कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, घर वालों को बताती थी। अम्मी मेरी पूछते थे बेटा क्या लेना ईद पे, वो जो मैं पैसे दे देता था अम्मी के साथ जाके खुद अपनी शॉपिंग कर लेती मर्जी की। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर ये जिस लड़के के साथ भागी है, इसका नाम जैगम है जी जी, जैगम के साथ इसके ताल्लुकात कब से थे? मैम, इस बात का मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं पता। मैम मोहल्ले में रहते ही नहीं, मैंने आपको पहले बताया। घर वालों ने तो बताया होगा। उनको भी नहीं मालूम। उनको भी नहीं पता? नहीं पता। किस दिन चला कि जैगम के साथ कोई निकाह हो गया है, कोई मसला हो गया? तुम्हें किस दिन पता चला? मुझे तकरीबन घर वालों को तो उसी दिन ही पता चल गया था, कोई 2-3 घंटे बाद जब भाग गई थी जी। हाँ, तो मुझे तकरीबन पता चला था कुछ 12-13 दिन बाद। ठीक है। मैं क्योंकि घर से बाहर था, इस्लामाबाद में था मैं। ठीक है, तो क्या पता चला था? मेरी छोटी जो साली है ना, सुंदर नाम है उसका, उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा क्या हुआ सुंदर, घर में सबकी बात बैठी बैठी है ऐसे। नहीं, छोटी साली नहीं, होने वाली साली अभी बनी नहीं। ठीक है, सिस्टर ही लगा लो मेरी। उसके साथ मेरी बात हुई, मैंने कहा संदेश क्या हुआ ऐसे घर में सबकी बात बैठी बैठी है? पता लग जाता ना इंसान को कि खुशहाल फैमिली है, यकदम क्या हो गया इनको? तो कहती है भाई ऐसे ऐसे ना, लाइबा घर से भाग गई है। भाग गई है? हाँ। अच्छा, उसने शादी कर लिया, भाग के इतने दिन हो गए, आपको नहीं बताया हमने कि वैसे ही आप टेंशन लेंगे या कोई बातचीत करेंगे। तो बस मैंने घर वालों से बात की, मैं आ रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने नहीं आना इधर। फिर मुझसे नार आ गया, तकरीबन मैं 10 दिन बाद या 8 दिन बाद मैं आ गया गुजरांवाली, घर आ गया मैं। तो घर आके इन्होंने तो ये तो सुलह करने वाले थे, खाला मेरी और खालू मेरे, अम्मी मेरी, आपके होने वाले सास ससुर। हाँ, वो खाला खालू। हाँ, वो तो सुलह करने वाले थे, मेरी अम्मी भी बीच में, मेरे अब्बू, मेरे भाई, सब लोग सब कह रहे थे सुलह हो जाए, क्योंकि निकाह जो हो गया था। हाँ, फिर आपने कहा कि नहीं? मैंने कहा नहीं। आपने कहा नहीं, कोई सुलह? मैंने किसी से कोई बात नहीं की कि आप करो या ना करो, या मैं खुश हूँ या नहीं। अच्छा, मैंने तो टारगेट कर लिया था कि मैंने बस जहन में उधर ही इस्लामाबाद में प्लान किया था। हाँ जी। क्या यही? मुझे नींद नहीं आती थी, मैं जागता रहता था, अकेला सोचता रहता था। आखिरकार मैंने इसका हल ये निकाला कि इनको मैं मार दूँ, तो मैंने मार दिया सिस्टर। मारने के बाद नींद आ गई? नहीं, नींद तो भी सुकून आ गया। नहीं मारा क्यों, जुनून था, क्या था? मैम ये जो मोहल्लेदार होते हैं ना, दोस्त हो गए, मोहल्लेदार हो गए, आंटी गुआंडी, ये सब लोग, ये बहुत चिटिंग वगैरह जैसे बातें नहीं जैसे करते, वो मंगेतर ना सकी किसी नाल, तेरी भैन सी, खाला इतनी इज्जत भी त्या सी, बस मैम नहीं बर्दाश्त हुई हमसे। तेरी मांग सी? हाँ, सारी ये बातें भी होती थी जी। क्यों नहीं, किसी का मुँह तो नहीं ना पकड़ा जा सकता।
इन बातों में आके ये काम किया, इन बातों में, असल इन बातों ने मुझसे ये काम करवाया, या ये जहन में आया कि इससे तो मैंने करनी थी, किसी और ने क्यों नहीं? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ये खुद लोगों का खुद, अभी जैसे वो बागी थी बातें बना रहे थे, अब मैंने ये काम कर दिया, अभी लोग बातें बना रहे हैं। तो लोग तो बातें बनाते हैं, इसका मतलब है कि तुम एक अच्छे खासे शरीफ शहरी मुल्जिम बन गए, हथकड़ी लग गई, बस मैम अब क्रिमिनल हो गए ना, ये तो बात है, लोगों की बातों के पीछे लग गए, ऐसे ही है। साहिबा से मोहब्बत थी? बहुत ज्यादा। दुख हुआ? बहुत ज्यादा। उस मोहब्बत में आके ये काम किया? नहीं नहीं, उस मोहब्बत में नहीं, आके जुनून में आके किया ये काम, जुनून में आके किया, तो मेरी चीज कोई और ले गया, ये बात थी, यही मोहल्लेदारों ने होटिंग वगैरह की। रो क्यों रहे? रोई वैसे ही? नहीं नहीं, आंखें नम क्यों हैं? वैसे ही, कुछ भी नहीं। नहीं, वजह बताओ ना, क्या वजह है? यही क्या, पछता रहा हूँ, मैंने किया क्या है, हो क्या गया मुझसे? एक भी नहीं, कट्ठे तीन कत्ल। यस, एक कत्ल भी कम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ उस्मान, कि जब आप इस्लामाबाद में थे, आपने ये प्लान किया कि मैं वापस जाऊंगा और इस तरीके से गुजरांवाला जाके मार दूंगा, इस प्लानिंग के मुतल्लिक अपने घर में किसी से कोई गुफ्तगू हुई? नहीं, कोई शेयरिंग हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जब वापस आए हो, किससे पहली मुलाकात हुई? घर ही आया हूँ, सीधा खालू से मुलाकात हुई, तकरीबन 4:30 बजे मैं घर पहुँचा हूँ, सुबह फर्स्ट टाइम। हाँ, तो दरवाज़ा खड़काया तो खालू मेरे ने दरवाज़ा खोला, तो मैं जाके ऊपर गया हूँ सीधा छत पे, मिठाई वाला डब्बा था मेरे हाथ में ना, ऊपर जाके मैंने कबूतरों वाले खुड्डे में रखा, तो मैं नीचे आके सो गया। कबूतरों वाले खुड्डे में मिठाई क्यों रखी? उसमें मैम पिस्टल थी। अच्छा, उस डिब्बे के अंदर पिस्टल छुपाई थी? मैं पिंडी से लेके आया, मेरे चाचा अबू की थी वो, और घर वाले समझे कि मिठाई लाया। हाँ ठीक है, फिर? फिर कुछ भी नहीं मैम, एक डिब्बा दूसरा नीचे ले आया मिठाई वाला, एक ऊपर रखा है। फिर सुबह उठे मैं, क्या मिठाई लेके आया हूँ, सब टेक्निकल माइंड है तुम्हारा। फिर? फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर कैसे बुलाया, क्या सिलसिला था? वो तो सुलह करने के लिए उन्होंने बुलाया, वो तो मुझे घर वालों ने बुलाया था। हाँ, क्या आपने? खाला मेरी ने बुलाया था। क्या कहा था उन्होंने? वो लड़के की वालदा ना, जो वो फोन करते थे, मतलब कि उनके साथ पहले भी ना उनका कोई एक दो मरतबा मेल जोल हुआ था, वो पैसे को दारे लेने देने के बहाने आते जाते थे ना, मतलब कोई भी गली मोहल्ले से आज ना, खाला मेरी ठीक ठाक है माशाल्लाह अपने घर, ठीक है, कोई भी आज ना तो वो पैसे दे देती है, 1,00,000, 2,00,000, 4,000, किसी को भी जरूरत हो, ठीक है, तो जो वादा किया उस वादे पे उसको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। फिर? फिर वो भी ऐसे ही एक दो मरतबा आए हैं, फिर इनका पता नहीं कैसे रिलेशन खुद बन गया या क्या हुआ है, स्कूल में बना है या कॉलेज में बना है। लाइबा पढ़ती थी? यस। कौन सी क्लास में? 10वीं के पेपर हुए थे अभी, उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज में एडमिशन लिया था? फर्स्ट ईयर कर रही थी FSC? क्या? 11वीं 12वीं 11वीं 12वीं। तो मैं नहीं पता FSC थी, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग। मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैंने स्टडी नहीं की। तो हो सकता है ये वजह हो कि लाइबा कहती हो कि मैं पढ़ी नहीं हूँ तो मेरी शादी जहाँ मंगनी कर दी है वो अनपढ़ है। तो जिसके साथ की है वो 16 पढ़ा हुआ है। वो क्या है बताओ? अभी 6 दिन वेले जुम्मा छुट्टी में। 6 दिन वेले जुम्मा छुट्टी? जुम्मा छुट्टी 7 दिन वेले? 7 दिन वेले। अच्छा, कारोबार कोई नहीं करता? कारोबार निकली मोहल्ले में बस घूमता फिरता रहता था। अच्छा, तो कारोबार